प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ लिया था। आज बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर कैसा होता है इकोसिस्टम का और इसके फंक्शन क्या क्या हैं। इकोसिस्टम टू टाइप से बना होता है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में नॉन लिविंग आते हैं, बायोटिक में लिविंग थिंग आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और सोइल, सोइल में प्लांट उगते हैं इसकी एनर्जी के कारण, सन की एनर्जी के कारण। प्लांट्स कई टाइप से होते हैं, इनमें फोटोसिंथेटिक होता है और जिससे अपना ये फूड तैयार करते हैं, इनको यूटोट्रोप्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद में आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर जो यूटोट्रोप से अपना भोजन तैयार करते हैं और उन पे आश्रित रहते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। इनसे अपना ये फीड लेते हैं, जैसे इसमें आ गया खरगोश, डियर और कई प्रकार के जो खाते हैं यूटोट्रोप्स को। इसके बाद में आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, उनसे अपना फीड तैयार करते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इनमें कौन कौन से आएंगे, जैसे लोमड़ी, स्नेक। इसके बाद में आएगा टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स भी होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, इनको मांसाहारी बोलते हैं, इनसे अपना फीड तैयार करते हैं। इसके बाद में आता है क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। इसमें कौन आता है, ओमनीवोर्स, जैसे मैन। मैन क्या है, अपना फीड दोनों तरह से तैयार करता है, यूटोट्रोप से भी और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स से। ये मैन होता है, ये मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, इसीलिए इसको ओमनीवोर्स में रखा गया है। इसके बाद में आते हैं डिकम्पोजिसर। डिकम्पोजर्स ये अपना जो फूड तैयार करते हैं, जो गले सड़े कंपोजिट्स माल होते हैं, उनसे अपना फूड तैयार करते हैं, और ये नाइट्रोजन और कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ती हैं। ये रिसाइकल करते रहते हैं कार्बन और नाइट्रोजन का, जो होते हैं पेड़ पौधे, गड़े सड़े जीव जंतु, एनिमल प्लांट, वो उनको वापस डिकम्पोज करते रहते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं फूड चैन की। फूड चैन क्या होता है, और एक होता है फूड वेब। फूड चैन में जैसे कि हमने बताया था कि एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी का ट्रांसफ़र होना फूड लेवल कहलाता है। फूड इज इन द लीनियर वे इन इकोसिस्टम, ट्रैवलिंग इन लीनियर। यूटोट्रोप्स, ट्राइटोट्रोप्स, गोट, काउज, हॉर्स, डियर, मंकी, शीप, ये इस पे डिपेंड रहते हैं यूटोट्रोप्स पे। इसको हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस पे कार्निवोरस एनिमल डिपेंड करते हैं, जैसे कि लोइन, चीता, लियोपर्ड, जुगवार। ये हो गई लीनियर चेन, लीनियर फूड चेन, कि इसमें क्या होता है, फूड ट्रैवल करता है एक लीनियर वे में इन इकोसिस्टम में। यूटोट्रोप से हर्बीवोरियस, हर्बीवोरियस से कार्निवोरियस एनिमल में, इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है। इस फूड चेन में इकोसिस्टम में स्पाइसेस, एक स्पाइसेस से सेकंड स्पाइसेस में और सेकंड स्पाइसेस से थर्ड स्पाइसेस में, इस तरह से ये फ्लो करती है। ये हो गई फूड चैन, मैनी फूड चैन। जब मैनी फूड चैन अलग अलग प्रकार से एक दूसरे से मिले, संबंधित हो, तो क्या होगा, इसी से फूड वेब बनेगी। फूड वेब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इससे मीन एक तरह का जाल होता है जिसमें से कोई भी एनिमल एक दूसरे को कैसे भी फीड बनाता है अपना, वो होता है फूड वेब। मीन जैसे कि आपको अभी एग्जांपल से दिखाएंगे, ये हो गया प्लांट। प्लांट में क्या होते हैं, बीज, ग्रास होपर,
फाइल्स, ये इस पे डिपेंड रहते हैं। फिर बर्ड्स, स्नेक्स और रैट्स इनको खाते हैं, इनसे अपना फीड तैयार करते हैं। ये भी एक प्रकार की वेब बन गई, फूड वेब। और रैबिट है, स्क्वायर है, डियर है, ये भी इन पे डिपेंड रहती है, प्लांट्स पे। अब आते हैं फॉक्स। फॉक्स क्या होते हैं, ये रैबिट्स को अपना फीड बनाते हैं, ये भी एक प्रकार की फूड चैन हो गई। बर्ड्स, बर्ड्स रैबिट से एक फूड चैन बन गई। ये इंटरलिंकेज बिटवीन द फर्स्ट चैन, फूड वेब। मीन इसमें कई प्रकार की फूड वेब बनती है। एक्वेटिक इकोसिस्टम, माइक्रोबियम, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, लीव्स, इनको इनसे अपना फीड बनाती है स्मॉल फिश। स्मॉल फिश से अपना फीड बनाती है बिग फिश। ये हो गई फूड चेन फोर। मीन कई फूड चेन बन गई, अलग अलग टाइप से फूड चेन बन गई। फर्स्ट तो थी हमारी बीज, ग्रास होपर, फाइल्स की, इनके ऊपर डिपेंड थे बर्ड, स्नेक्स और रैट्स। इसके ऊपर ही डिपेंड होते हैं रैबिट, स्क्वायरल और डियर। डियर पे डिपेंड होती है फॉक्स। और जो एक्वेटिक होती है उस पे इंसेक्ट्स, प्लांट्स पे स्मॉल फिश और बिग फिश। ये मीन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे कई प्रकार की फूड चैन बनती है, इसी को हम फूड वेब बोलते हैं। रेंज ऑफ एनर्जी चेंज ऑफ इन वेरियस फॉर्म, ये दिखा रखा आपको वही सेम डायग्राम जो पहले दिखाया गया था। देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एट मैनी लेवल इन थ्रू रिस्पायरेशन। जब क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, इसमें एनर्जी का लॉस भी होता है रिस्पायरेशन, एक्सप्रेशन और डिकम्पोजिशन से। इन ईच लेवल, हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा एनर्जी का लॉस होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोम्स की। बायोम्स कितने टाइप के होते हैं, बायोम्स का हमने पहले भी बताया था थोड़ा, कि ये सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। बायोम्स होते हैं सनलाइट और मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं, जहाँ पे रेनफॉल अधिक होगी। इनको कैटेगराइज कर रखा है पूरे वर्ल्ड में, देयर आर 5 मेजर बायोम्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट और एक दो और है जो आप देख लो इसमें से। एक टेबल भी दिखा रखी है, ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, डेसिडियस और टेम्परेचर टेम्परेट। ये टेबल आपको याद करनी है। इसके बाद में आता है बायो जियोकेमिकल साइकिल। बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, इसमें लिविंग बीइंग होते हैं, जियोग्राफिक, रॉक, सोयल, एयर और इसमें वाटर, सन का भी इफेक्ट होता है, जो इसकी सोयल, प्लांट्स के रूट्स तक जाए। दीज आर साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट एंड रेफर टू एज बायोकेमिकल साइकिल्स। लाइफ ऑफ एसेंशियल केमिकल्स, वाटर में क्या आता है H2O, कार्बन, सी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस भी। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम, न्यूक्लियर, डीहाइक कॉन्सन, न्यूक्लियर एसिड, ये एक दूसरे पे ऐसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल साइकिल, ग्रास, गैसेस एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स। इन द गैसी साइकिल द मेन रिजर्वेयर इज द न्यूट्रिएंट्स इज एटमोस्फेयर एंड द ओशियन। इन द सेडिमेंट्री साइकिल द मेन रिजर्वेयर इज द सोयल एंड सेडिमेंट्री एंड द अदर रॉक ऑफ अर्थ इज क्रस्ट। ये रॉक्स के दिखाया गया है। इन्वायरमेंट आर रेफर्ड टू ए बायो जियोकेमिकल।
इसी में हमें दिखाया गया है कि कैसे ट्रांसफर होती है फूड चैन। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड हमने इसके बारे में पढ़ लिया, फूड चैन के बारे में भी पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल एंड गैसेस आर सेडिमेंटरी साइकिल, द साइकिल ऑफ द मेन रिजर्वॉयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द ओशियन। इन द साइकिल ऑफ द मेन रिजर्वॉयर इज द सेडिमेंटरी एंड अदर रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। बायोजियोकेमिकल साइकिल ये भी इसी पे डिपेंड होती है। वाटर होता है इसमें, सन होता है। देर आर टू टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल, गैसेस एंड द सेडिमेंटरी साइकिल। गैसेस साइकिल और सेडिमेंटरी साइकिल। गैसेस में क्या आएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटासियम। फर्स्ट तो आ गया इसमें ये, और दूसरा आ गया सेडिमेंटरी साइकिल्स जो मेनली रॉक्स में होता है। गैसेस के बारे में, साइकिल मीन ये एक दूसरे में साइकिल की तरह चलते रहते हैं, इनका प्रोड्यूस होना और बाद में इनका एंड और फिर वापस एटमॉस्फेयर का इनमें आना एक साइकिल की तरह वर्क करता है। अब इसके बाद में आपको बताएंगे द वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल क्या है, दी साइक्लिक मूवमेंट और केमिकल एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। गैसेस साइकिल टू प्रकार से होती है, वाटर फेसेस और गैस फेसेस। वाटर फेसेस में क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में वाटर किस तरह से आता है द वाटर साइकिल, और किस तरह से वापस एटमॉस्फेयर से लैंड में आता है और लैंड से एटमॉस्फेयर में जाता है, वो होता है वाटर साइकिल। गैस फेसेस में क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सर्कुलेशन के बारे में बताया जाएगा कि ये किस प्रकार नाइट्रोजन गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसका साइक्लिक होता है, किस प्रकार से वो जनरेट होती है और किस प्रकार से ये वापस हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाती है। अब बात करते हैं सबसे पहले द वाटर साइकिल की। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म द एटमॉस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर मेंटेन बिटवीन देम ए मूवमेंट ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, इसमें वाटर जो जनरेट होता है अर्थ क्रस्ट से, ओशियन से, वो एटमॉस्फेयर में जाता है, ये एटमॉस्फेयर में जाता है सन के हीट के कारण, और फिर इससे बादल बनते हैं। बादल बनने से ये एवोपोरेशन के कारण इनके बादल बनते हैं सन हीट के कारण, बादल से वापस ही कंडेंसन होकर रेनफॉल के रूप में हमारे अर्थ सरफेस पे गिरते हैं, और यहाँ से ये हमें वाटर के रूप में प्राप्त होते हैं, और फिर यही वाटर या तो अर्थ में अर्थ को चार्ज कर देगा, रिचार्ज हो जाएगी अर्थ वाटर से, और फिर ये वाटर वापस घूम के ओशियन के अंदर आ जाएगा और ये एक साइकिल के रूप में चलता रहेगा, इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में भी, प्रीवियस लेक्चर में भी जब हमने पढ़ा था ओशियन के बारे में, उसमें भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का टॉपिक आया था, जिसमें हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार वाटर एक साइकिल के रूप में चलता है और वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद में बात करते हैं द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, कार्बन का किस प्रकार से इसका आरंभ होता है और किस प्रकार से कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो इसमें हम जितने भी प्रकार के आए, जैसे हम सांस लेंगे तो इसमें दोनों प्रकार की गैसें आएंगी, ऑक्सीजन भी आएगी, कार्बन भी आएगी, नाइट्रोजन भी आएगी, लेकिन जो हमारी बॉडी को चाहिए
वो गैस हम अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी को हम वापस निकाल देते हैं। हम सांस लेने में ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर के अंदर और CO2 और को वापस निकाल देते हैं। और जैसे कि कोई मशीन हो गई, मशीन के लिए भी क्या होगा कि ये एनर्जी लेके फ्यूल से अपनी और CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड कई प्रकार के गैसों को बाहर निकालती है। और इसी से मशीनरी से जैसे कोई इंडस्ट्री लगी वहीं से CO2 उत्पन्न होती है और कई प्रकार की जियोलॉजिकल एक्टिविटी है वहाँ से भी CO2 उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती है। लेकिन यही CO2 प्लांट्स अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि प्लांट्स है वो CO2 से ही सांस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सनलाइट में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फोटोसिंथेसिस क्रिया होकर प्लांट अपना फूड बनाते हैं। जैसे कि दिखाया गया आपको, प्लांट CO2 को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2 अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से ये एक साइक्लिक रूप में चलता रहता है कि जैसे हमने CO2 को बाहर किया और प्लांट ने इसको अब्जॉर्ब कर लिया, इंडस्ट्री से CO2 निकली और वो भी प्लांट ने अब्जॉर्ब कर ली। ये एक इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है। प्लांट आल्सो रिलीज सम CO2 ड्यूरिंग डे। प्लांट्स क्या होते हैं, समटाइम कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो CO2 को भी रिलीज करते हैं, उनकी अलग कैटेगरीज हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो प्लांट में होते हैं वो फूड तैयार करते हैं, इसी को प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं। इन्हीं के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और इसके बाद ही टर्शियरी कंज्यूमर्स जो इनसे अपना फीड तैयार करते हैं। और फिर आते हैं क्वार्टरी कंज्यूमर्स और इसके ऊपर आते हैं डिकम्पोजर्स और ये फिर वापस एटमॉस्फेयर में जाते हैं। इसी प्रकार से सेम